हे गाइस, आज कुछ अलग आ रहा है। आज हमने कुछ बहुत ही एक हैपनिंग चीज़ करी है, बहुत ही अलग। आई थिंक व्लॉग्स में ऐसा जरूरी यूजुअली होता नहीं है, बट मैं कोशिश, मतलब हम मेरे और मेरे हस्बैंड की कोशिश पूरी थी कि कुछ अच्छा सा रह जाए, इस बार कुछ डिफरेंट जाए, क्योंकि आई थिंक सब व्लॉग सेम होते थे। शॉपिंग के व्लॉग्स इतने हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ आज डिफरेंट। तो आई होप कि आप सबको वो अच्छा लगेगा, जो भी है आप थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं वो जो भी है। बट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जितना हो पाया उतना किया। सो प्लीज़ देखिए और इन्जॉय कीजिए, और प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं बिग बॉस आपका स्वागत करता हूँ। किसका स्वागत करूँ, साले अभी तक सोए पड़े हैं। कोई उठाओ यार इनको, कोई तो उठा दीजिए, कोई सुन रहा है, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। सॉरी, याद आया, सुनेगा कैसे, मैंने किसी को रखा ही नहीं है, मुझे ही अब गाना गाकर इनको उठाना पड़ेगा। सुबह हो गई मामू, ओ मामू, सुबह हो गई मामू, मामू, ओ मामू। अरे गाते गाते सुबह से दोपहर हो गई है, अब तो उठ जाओ, उठा बे, उठिए, उठ जाओ। तो मैं आप सभी, ओए चुप कर, एक तो हमसे ही पैसे लेके गद्दे मंगवाए और हमें सोने भी नहीं देता। बट मैं तो सिर्फ आप लोगों का, ओए हट, सॉरी, ए मजदूर उठ जाओ, मजदूर उठाइए, सस्ता भी बॉस उठाने को बोल रहा है, उठ जाओ। ओए नाश्ता कौन बना रहा है आज? आज तो गुमांशी बना रही है। फिर तो गू ही बनेगा। लिसन पिताजी, ये आपने क्या बोला? सही तो बोल रहा हूँ मैं। देखो अगर इतना ये, तो प्लीज आप खुद ही बना लीजिए। ओए ये 2.5 किलो का हाथ मैंने खाना बनाने के लिए नहीं बनाया, इसके और भी फायदे हैं। खाना बनाऊंगा मैं, काम करूंगा मैं। हाँ सॉरी, ठीक है मैं बना लूंगी, सॉरी, आप शांति रखिए, मैं बना लूंगी। बिग बॉस चाहते हैं कि आज आप घर की सफाई करें, घर को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। सॉरी बिग बॉस, मेरा तो आज मसला चल रहा है, तो मैं तो कोई काम नहीं कर पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी। ओए ये बकवास सब कर लेते हैं, चल जाके अपना काम कर ले। सॉरी बिग बॉस, मैंने तो कोई काम नहीं करना, देखिए उस गुंडे ने मेरी उंगली तोड़ दी थी, तो मुझसे तो मत ही एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं कोई काम कर पाऊंगी, सॉरी। बिग बॉस यार मेरे को मत बोलना काम, ये भस्मी कर लेगी, बट मेरे से नहीं होगा, ठीक है, मैं नहीं कर सकता ये सफाई वफाई के काम, मेरे से नहीं होते। भस्मी को बोल देना, भस्मी कर लेगी और भस्म कर देगी सबको, ठीक है, वैसे भी उसका नाम भस्मी है, सारी चीजें भस्म ही करते, खत्म कर देगी बारे में काम, उसको बोल देना, मेरे को ना बोलना बस। लिसन बिग बॉस जी, मैंने आज ही पैडी और मैनी करवाए, तो मैं तो आज काम नहीं करूंगी। ओए एड़ी, मैनीक्योर हाथ का होता है और पेडिक्योर लेग्स का होता है। सॉरी बिग बॉस, वो मुंह से स्लिप हो गया था, मुझे लगा इसको पैडी बोलते हैं, इसको मैनी बोलते हैं, सॉरी बिग बॉस। सब निकम में भर्ती कर रखे मैंने, मुझे ही करना पड़ेगा। सुनो, बिग बॉस आपको एक टास्क देना चाहते हैं, आप सभी को मोमबत्ती जलानी है, और जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा मोमबत्तियां जलाएगा उसको संतरे वाली गोली मिलेगी। एक मिनट बिग बॉस, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जली को राख कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, जो बिग बॉस ने बोला उसे हम इग्नोर किया करते हैं। अबे ओ नौटंकी, तेरा ड्रामा अगर पूरा हो गया हो तो उठ के काम कर ले, ड्रामा मत कर, चल शुरू, चल हट। अरे बिग बॉस, कैंडल्स तो भेज दो पहले, और मैं ऐसे मसला में कैसे कंप्लीट करूंगी, समझ आ रही है आपको? ए बिग बॉस, ए हेलो, ए सस्ते बिग बॉस, कहां मर गए? ओह सॉरी, मैं मोमबत्तियां लेने गया था। कुछ ए सस्ते
बिग बॉस कुछ एक काम तो ढंग का कर देते, एक मोमबत्ती तो हमें देते, वो भी कुपोषित मोमबत्ती भेजी है, इसका क्या करें, इसकी कौन सी मोमबत्ती जलेगी। बिग बॉस कुछ तो रहम खाओ, इतनी बेइज्जती मत कराओ, कुछ तो ढंग का रख देते टास्क में भी। जो भी है बस यही है। सॉरी बिग बॉस, हम ये टास्क नहीं करेंगे, हमसे इतनी बेइज्जती नहीं होगी, सॉरी, हम अबॉर्ट करते हैं इस टास्क को, रियली सॉरी। ये कटरों के खिलाड़ी नहीं चल रहा यहाँ पे, अगर आप लोग ये टास्क नहीं करना चाहते तो सजा के तौर पे आपको मूली के पराठे खिलाए जाएंगे। और बिग बॉस यार, क्या सजा देना चाह रहे हो, और पहले खा खा के ये इतनी मोटी हो चुकी है, मोटी भैंस कहीं की है, सारा कुछ यही खाती रहती है 24 घंटे, पराठे पराठे पराठे, और पराठे ना खिलाओ इसको, ज्यादा मोटी हो जाएगी यार, मेरे लिए मुसीबतें बढ़ा रहे हो आप। मैं अगर इतना खाऊंगी नहीं तो मेरा पंजाब कहां से दिखेगा, मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता। पगनाजी, ये डायलॉग के बीच में ये कहां से आया, कुत्ते बिल्ली की बात हमारे शो में नहीं चलेगी। हाँ तो क्या करूं मैं बिग बॉस, मैं कुछ ना बोलूं मर जाऊं। तो ही बोल ले, मैं चलता हूँ यहाँ से, आ जा। हाँ हाँ जाओ जाओ बिग बॉस, आओ। चल कोई ना, चक्कर हो भी गया तो क्या, आजकल तो पूरी दुनिया के चक्कर चलते हैं। कौन सा चक्कर? मतलब तेरा सुना था मैंने भी बाहर कि तेरा भी चक्कर चल रहा था बसमी के साथ। तेरे को किसने कहा? सुन लिया बस, खबरें आ जाती हैं, अब तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है तो खबरें तो आ जाएंगी ऐसी। बॉडी को देखकर शेम मत कर, इतना बड़ा क्या मतलब है तेरा? शेम मतलब हाँ, तेरा पेट भर है, जैसे तू मेरी बेइज्जती कर रहा था तो मैं तो बोलती हूँ मैं पंजाब से हूँ तो पेट तो दिखेगा। ये 6 पैक आए हुए हैं। 6 पैक है? सॉरी 10 पैक आए हुए हैं। अच्छा 10 पैक है, अच्छा। आया मैं बताओ, तू इतना सड़ता क्यों है? मेरा नेचर है। अरे चुआ 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 सिद्धार्थ, फड़ ला उन्हें। मैनू ना कोई फड़न लगी। तो हुन मैं तुम्हें की मैं आर्मी च फोन करो उसने फड़न ले। मैनू नहीं पता किथे भी फोन कर, मैनू ना। अरे पिता प्लीज मेरी हेल्प ना कर दे, पर फड़न ले उसने, प्लीज चल ले यार। अरे प्लीज चल ना, मैं नहीं जाना। अरे प्लीज ना ना, मैं चुआ, मैंने चुए तो बहुत डर लगता, प्लीज फड़ ले, नहीं तो बिग बॉस सडी सॉरी, प्लीज चल ले चल ले चल ले। मैं तेन कह रहा हूँ नहीं जाना।10 पैक निकले, 4 पैक बना दूंगी, चल मैं ना फड़ ला उन्हें, उठ बैठा रहा, उठ। आ रहा मारी नहीं आ रहा, मैं टेंशन ना, मैं कर दांगा, मैं करांगा। हाँ आ जाना प्लीज, उठ जाना। आ रहा उठ जा, आ रहा। टेंशन तूने सांड वाली बॉडी बनाई हुई है, इधर कोई तो यूज कर ले, चल आ जा। बड़ा बोलता है मेनू पंजाब पंजाब, बार बार मेनू ना बॉडी शेमिंग ना करी, मैं तेनू दसदा मैं तो करूंगी। चल तू आ जा, फाल लांदे चूहे नु, बिग बॉस सानू इनाम दे दंगे, फिर की हो जाएगा, असि दोनों जीत जावांगे, चल आ जा। जे इदा दे काम कराने होने ना ते फिर कुछ खवाया पिया भी कर, तेरे नाल रह के आधा रह गया मैं। हाय तू अद्धा रह गया ते मैं तभी पिद्दी रह गई होंगी। गल ते बेइज्जती कर दी है तेनू, तेनू खड़ जा, मैं दसदा आ चूहा है ना तेरे पीछे लाना, मैं दिखी ते मैं तेरे पीछे बिल्ली लाऊंगी, चल आ जा। तू आपे बिल्ली है, मैं तो बिल्ली हूं ते तू भी ते फिर बिल्ला ही है, तेरी अखां भी नहीं आएगीयां, तू तो बिल्ला ही है। ये तो बड़ी सोहनी अखां ने, की करिए, चल आ जा फड़ ली हूं, छोड़ गल्लां बातें, चल पहले आ जा फड़ ली है, लो एदे नाल रह रहे, इसके साथ रह रहे कि मैं भी पंजाबी बोलने लगा। हाँ तो फर्क तो पड़ ही जाएगा, मेरे साथ रहेगा, तेरा और मेरा चल रहा है, सबको पता है पूरे बिग बॉस में। देवियों और सज्जनों, आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आज कोई घर में रात में गैस लाइटर माचिस ऐसी कोई चीजें नहीं जलाएगा, क्योंकि आज घर में सबने मूली के पराठे जो खाए हैं, रात में धमाका होने का खतरा है, तो कृपया करके आज रात को कोई भी ऐसी हरकत ना की जाए जिसे बिग बॉस सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाए। अब आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए। समय समाप्ति की घोषणा, आज यहीं पे समय समाप्त होता है, आपसे मिलेंगे अगली बार बरेली के पागलखाने में, वहीं पे अगला बिग बॉस होगा, तब तक के लिए शब खैर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।